धनवान धन वाला, सर्वशक्तिवान सर्वशक्तियों वाला, मान वाला है, मान्यता है, तो परमात्मा के लिए हम सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिमान दोनों शब्द यूज करेंगे। वो मान्यता देने वालों के ऊपर है, लेकिन अक्सर करके तो हम सर्वशक्तिवान ही कहते हैं। ये प्रैक्टिकल में जिसको अनुभव में आ गया वो तो मानेगा कि हाँ धन वाला है। प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं आया, दूसरों ने कहा, उसने सुन लिया और मान लिया, तो मान्यता की बात हो गई। एक हो गया अनुभव करना, एक हो गया मान लेना। हाँ, सिर्फ मान लिया। तो बाबा, हम सेवा के लिए फिर यही मानेंगे कि हमें हल्के रूप में सहज रीति से मैसेज देना है। आगे उस आत्मा को अगर बाबा का ज्ञान पसंद होगा, उसका पाठ होगा, तो अपने आप खींची चली, हमारे कुल का होगा तो वो अपने आप आएगा। हमारे कुल का होगा माने पूर्व जन्म में उसने हमारे ग्रुप का सहयोग दिया होगा या हमारा सहयोग दिया होगा या जन्म जन्मांतर सहयोग दिया होगा, तो पूर्व जन्मों के हिसाब से वो स्वतः ही खींचा चला आवेगा। नहीं तो हम अपनी पूरी ताकत लगा दें और पूर्व जन्मों में वो दूसरे ग्रुप में रहा है, दूसरों को सहयोग दिया है, तो उन्हीं की बात मानेगा हमारी बात। इसलिए मुरली में बोला है जो जिस कुल का होगा जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा, दूसरे की बात। ब्रह्म कुमारी विद्यालय में ढेर सारे ऐसे हुए जो सारा ज्ञान सुनने के बाद में ये कहते थे कुमार का दादी मानेगी तो हम भी मानेंगे, जगदीश भाई मानेंगे तो हम भी मानेंगे, क्या कहा जाए उनको। सारी बातों पर सही का निशान, आपकी ये भी बात सही, वो भी बात सही, सारा ज्ञान आपका सही, लेकिन मानेंगे तब जिसका उन्होंने जन्म जन्मांतर आधार लिया है, वो कहेगा तो मानेंगे, नहीं तो हम तो उसकी राजाई में है, हम तो जन्म जन्मांतर की उसकी प्रजा है, ये साबित कर दिया। हम अधीन रहने वाले हैं किसके, उसके। जैसे बाबा ये कहा जा रहा है कि रास में भी और बेसिक में भी इस समय उतरती कला है, ठीक है, सारी दुनिया की चार अवस्थाएं होती है, चाहे एडवांस हो, चाहे बेसिक हो, चाहे कोई सिख हो। तो चढ़ती कला कब होगी? है? चढ़ती कला कब होगी? चढ़ती कला जब होगी जब प्रत्यक्षता होगी, जब हर एक के मुख से निकलेगा हमारा बाप आ गया, तो लास्ट में आएगा, लास्ट में मानेंगे, लास्ट में तो सबके तो लास्ट होगा किसके आधार पर? 2018 से ये चढ़ती कला हो जाती है। हाँ जी, एक के आधार पर सारी बात रुकी हुई है। एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो ये संकल्प विकल्पों का जो मकड़ी जाल है ये तब तक चलता ही रहेगा? क्यों नहीं चलेगा? आप एक को समझाते क्यों नहीं? आपकी श्रद्धा बैठी हुई है कि वो एक तो ज्यादा होशियार है। नहीं, होशियार नहीं। अच्छा, होशियार नहीं है लेकिन अच्छा है? होशियार तो हम लोग हैं ना? आप कहाँ होशियार है? आपके मुख में कहाँ शिव ने प्रवेश किया? नहीं, नहीं भी किया तो हम फिर भी शिव के बच्चे है? वो तो 500 कुल शिव के बच्चे हैं। हम तो उसको पहचानते हैं, वो तो विरोधी हैं। है? हम तो पहचानते हैं, सहयोगी हैं, वो तो विरोधी हैं। वो ये कहेंगे कि आप तो सारे जीवन के पहचानने वाले हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सके, और हम अंत में पहचानेंगे तो एक सेकंड में हम परिवर्तन कर देंगे। उनके पास क्या जादू है? जैसे लक्ष्मी वाली आत्मा है, क्या जादू है उसके पास? वो प्योरिटी का जादू, सबको चांस मिलता है। बड़े बड़े सन्यासी हैं, जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। क्यों, तब तक हमने क्या बुरा किया? वो प्योरिटी वाली बात, उन्होंने प्योरिटी के लिए मान दिया, उन्होंने पुरुषार्थ किया तो विजय, उनके आने पर विजय है, उनके ना आने से
हमारी हार हो रही। बाबा अब हमारी शूटिंग कैसी हो रही है? अभी वो आएगी। ये अपने हाथ की बात है, शूटिंग अच्छी करना या शूटिंग खराब करना। हम अगर ऐसा स्टेमिना अपने आत्मा में पैदा कर लें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे अब माहौल हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, हम अपनी खुशी को त्यागेंगे नहीं, तो हम अच्छी शूटिंग करेंगे या खराब शूटिंग करेंगे। पर 63 जन्मों के हिसाब से भी लास्ट के जन्म की क्यों ना हो, लास्ट के जन्म में भी कोई आत्माएं ऐसी हैं जो अति तामसी स्टेज में नहीं आती हैं। भगवान का पार्ट बजाने वाली आत्माएं रामकृष्ण मानी जाती है, रामकृष्ण वाली आत्माएं इतनी सुखी नहीं रहती हैं आखिरी जन्म में, और वो आत्माएं ज्यादा सुखी देखने में आ रही है। पारिवारिक सुख भी ज्यादा है, धन का सुख भी ज्यादा है, तन का सुख भी ज्यादा है, मान मर्तबा भी ज्यादा है। क्यों? अपना अपना टाइम है पुरुषार्थ करने का। किसी ने किस शूटिंग पॉइंट पर, शूटिंग के टाइम पर ज्यादा पुरुषार्थ किया है, किसी ने कब ज्यादा पुरुषार्थ किया है। तो बाबा ये माना जाए कि रामदेव का ये पहले जन्म है। राम वाली आत्मा को फॉलो करने वाली आत्माओं में रामदेव भी है। उसका ये प्रथम वो रामदेव एक व्यक्तित्व है, लेकिन आत्माएं दो हो गई, एक ऊपर से आने वाली और एक नीचे जो सतयुग से जन्म लेती चली आ रही है, वो आत्मा है जिसमें प्रवेश करके वो रामदेव का पार्ट बजाती है। थोड़े समय तक बजाती है, तब तक बढ़िया सारा कार्य देखने में आता है, त्याग तपस्या देखने में आवेगी। और जब वो आत्मा निकल करके दूसरा जन्म ले लेती है, तब फिर वो भी पैसा कमाने लगती है। आज वो दवाइयों के दाम दूसरी कंपनियों में, जो लोकल कंपनियां हैं वही दवाइयां सस्ते पैसे में बेच रही हैं, और वो दिव्य फार्मेसी दुगने तिगुने चौगुने दाम कमा रही है। लागत 5 रुपया और कमाई 60 रुपया, ये सब क्या है? ये त्याग तपस्या है। फिर वही गौमूत्र 2 पैसे का नहीं बिकता है, वही गौमूत्र प्रिजर्वेटिव डाल करके 3540 रुपए की शीशी। बाबा बीमारी की स्थिति में अगर बाबा को ही अपना वैद्य मान करके उसके उसी से ही हम अपने शारीरिक रोग को भी निदान करना चाहते हैं, तो ये क्या श्रीमत, इसके लिए क्या श्रीमत? माने योग बल से, योग बल से, तो योग बल सिद्ध हो गया है। दवाई है, दवाई बनाई जाती है ना, सिद्ध की जाती है ना। दवाई की सारी चीजें तो हमने इकट्ठी कर ली, उसको सिद्ध करने के प्रक्रिया भी चालू कर दी, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा सिद्ध हो गई, सिद्धि हुई नहीं, और हम उसी रास्ते को पकड़ लें और दुनिया भी दवाइयों को दे बिल्कुल तिलांजलि दे दे, तो हार हो सकती है कि नहीं हो सकती? हार हो जाएगी। लेकिन जो भोलेपन में ऐसा करेगा, तो भोलेपन ब्रह्मा का, उसको मदद तो मिलेगी। ब्रह्मा का भोलापन कायम आप हुआ कि नाक रगड़नी पड़ी? भोलापन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन दवाइयां भी तो आज डुप्लीकेट हैं बाबा। हम डुप्लीकेट के चक्कर में क्यों पड़े हैं? हमें तो मालूम है कि ये अंग्रेजी दवाइयां वो हमारी ओरिजिनलिटी है, या स्वदेशी दवाइयां हमारी ओरिजिनल चीज है, तो हम स्वदेशी को क्यों नहीं बढ़ावा देते? बाबा जैसे अव्यक्तवाणी में कहा गया है कि हैप्पी 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 न्यू ईयर, हाँ, बेहद में क्या बेहद यही अर्थ है, न्यू ईयर की बात नहीं, ये विदेशियों की भाषा है।
हमारा तो रोज ही न्यू ईयर है, नया दिन है, नया साल है, नया युग है, नया कल्प है, एवरीडे हमें हैप्पी रहना। आत्मा ही नहीं हो जाती है, आत्मा ही नहीं हो जाती। हाँ जी, हमने तो जो पाना था सो पा लिया, हमारा तो हैप्पी एवरीडे हो गया। अब कायम रखने की बात है, थोड़ी सी परीक्षा आ जाती है, थोड़ी सी अप्राप्ति हो जाती है, बस रोना शुरू। अल्पकाल की प्राप्ति के लिए रोना शुरू, और सदाकाल की प्राप्ति भूल जाती है, दिमाग से ही निकल जाती है। बाबा देखने में आ रहा है कि बाकी जगह पर खूब रिमझिम है बाबा के बच्चों की, लेकिन हमारे इस यहाँ पर जो है वो कमती होते जा रहे हैं। फिर वही नंबर रहती है, नंबर पकड़ने वाली बात और क्वालिटी वाली बात आ जाती है। अरे जिनको टूटना है वो टूट जाए वो अच्छा, क्वालिटी रह जाए वो अच्छा, या क्वांटिटी बनी रहे वो अच्छा, क्वालिटी बनी रहे, क्वालिटी मेंटेन होना ये बहुत ऊंची बात है। छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ जी, प्रसन्नता होनी चाहिए कि कीड़ा मकोड़ा जा रहे हैं। बाबा जो ज्ञान में टूट रहे हैं और उनको दोबारा मतलब संदेश उनका उमंग साथ बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? ठीक है, अमृत वेला बैठ करके उनको सर्च लाइट दो, टाइम दो। सबसे ज्यादा वैल्यू टाइम की है या धन संपत्ति तन की और जन की वैल्यू है? टाइम की ज्यादा वैल्यू है। अच्छा, 10 मिनट रोज उनको निकालना शुरू कर दो, उनको जब तक ढंडेरा पड़े तब तक आने दे। वो ठीक है, वो जिसके पास जो दवाई होगा सो दवाई देगा। जिसके पास धर्मराज के पास कौन सी दवाई है? वो डंडे की दवाई। धर्मराज के दूतों के पास कौन सी दवाई है? डंडों के, वो उनको डंडे ही याद आएंगे। हमारे पास कौन सी दवाई है? धर्मराज की दवा का। हमारे पास तो यही दवाई है, याद। बाबा धर्मराज के डंडों का ज्ञान में या उसका बेहद में क्या अर्थ निकाले हैं? जैसे क्या धर्मराज के डंडे, हाँ, उसका बेहद में या ज्ञान? अति का दुख, जिससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। शरीर छोड़ने के बाद शरीर रहते ऐसे नहीं समझो कि शरीर छोड़ जाएंगे और फिर सजाएं खाएंगे सूक्ष्म शरीर से, नहीं। जो सूक्ष्म शरीर लेते जा रहे हैं, स्थूल शरीर छोड़ते जा रहे हैं, उन आत्माओं को भी स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। जैसे औलिया क्या करते हैं, औलिया क्या करते हैं, भूत प्रेत को डंडे आते हैं तो भूत प्रेत आत्मा दुखी होती है, चिल्लाती है, या जिसमें प्रवेश होता है वो चिल्लाता है, जो प्रवेश होती है उसको दुख होता है, चिल्लाती है, डकराती है। लेकिन बाबा डंडे तो पड़ते हैं, डंडे तो शरीर के ऊपर पड़ते हैं। हाँ, पड़ते हैं डंडे शरीर के ऊपर, लेकिन आत्मा फील उस समय उसको बांध लिया जाता है, आत्मा को, उसकी आत्मा फील नहीं कर, शरीर को बस जो शरीर है वो तो गुम हो जाएगा। भूत आत्मा मालिक हो गई ना, फिर वही मालिक, वही खानदान मालिक। तो बाद में जो निशान पड़े हुए रहते हैं वो तो उसी के शरीर के ऊपर दिखाई देगा, वो भी उसका कर्म भोग। उस आत्मा के साथ कर्म भोग कर्म बंधन बांधा किसने? उसने बांधा है ना, तब तो आया, उसने कंट्रोल किया है। अपना स्मृति बनाया नहीं है, देखो उसको मौका दिया है तो वो आया है। तो डंडे यही हैं, डंडे यहीं पर ही हैं। आप समझते हैं सपने में सजा खाएंगे? शाह का तो होगा खाएंगे, ये आगे पीछे होता है, पहले नहीं होता है, ये सजा या पहले भी होगी या बाद में? अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो क्या? अभी क्या हो रहा है? अभी तो ऐसा तो जन्म जन्मांतर होता है, 63 जन्म में नहीं होता रहा, 63 जन्म में भी ऐसा होता आया, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
वो सजाएं जो खाई जाएंगी उसका रिजल्ट एक जन्म में नहीं पड़ेगा, 63 जन्मों तक उसका हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा, 63 जन्म का पद भी नीचा हो जाएगा, 21 जन्म का तो होगा ही होगा पद नीचा, 84 जन्म का असर पड़ेगा सजाओं का, जितनी ज्यादा सजाएं उतना जन्म जन्मांतर का पद नीचा, जितनी कम सजाएं उतना जन्म जन्मांतर का पद ऊंचा। इसका क्या अर्थ है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शरण में आ जाएं तब ना, वो तो कागज में लिख करके शरण में आ जाएंगे, हम तो देखो शरण में आ गए, देखो ये फर्रा है हमारे पास, और फिर कंधे के चढ़ के वो ऊपर चढ़ करके नाक और कान सब पकड़ेंगे, उसको शरण में आने कहेंगे, दाढ़ी मूछ हिला के रख देंगे, जो हिसाब किताब है जो बीमारी से जो कुछ होता है जन्म अंतर भोगते ही चले आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पद कभी पद नीचा नहीं होगा, ये तो अच्छा है, उस धर्मराज सजाएं कम हो रही हैं ये भोगने से, धर्मराज अंतिम सजा से फिक्स होगा ना वो है। हाँ ये अभी जो हम बीमारी से सजा भोग रहे हैं या मनुष्यों के झगड़े से सजा भोग रहे हैं, ये जो भी सजाएं हमें मिल रही है इस लौकिक दुनिया की, जो दुख मिल रहे हैं वो जितना ज्यादा दुख मिलेंगे उतना धर्मराज की सजाएं कम होती जाएगी। धर्मराज की सजाएं हम किसे कहेंगे? जो धारणा करने वाला रहा है, जिसने हमारे मुकाबले ज्यादा धारणा की है ईश्वरीय ज्ञान की प्रैक्टिकल जीवन में, वो हमको सजा देने के निमित्त बनेगा, कोई एक नहीं बनेगा, क्या अनेक बनेंगे अपने अपने कनेक्शन के आधार पर बनेंगे, जैसे लौकिक परिवार वाले भी बनेंगे, वो भी बनेंगे। लौकिक परिवार वाले कैसे बनेंगे? लौकिक परिवार वालों ने ज्यादा पुरुषार्थ हमसे किया है क्या? उन्होंने धारणा ज्यादा की है? पूर्व जन्म के तो कर्म बंधन होंगे ना, पूर्व जन्म के कर्म बंधन वो तो अभी भोग रहे हैं हम, लौकिक परिवार वालों की स्टेज हमसे ज्यादा ऊंची हो जाएगी, वो तो ज्ञान की बातों को मानते ही नहीं है अभी, जो मानने की स्टेज पर ही नहीं है वो जानने की स्टेज पर कहां से आ जाएंगे, और जानेंगे ही नहीं तो प्रैक्टिकल जीवन में करने की स्टेज पर कहां से आ जाएंगे, जिन्होंने जाना भी है माना भी है और प्रैक्टिकल करके दिखाया भी है वो हमको सजा देने के निमित्त बनेंगे। सजा तो बाबा तब मिलेगी उधर से आ जाएगी, महाकाल ही उधर महाकाल पहले ही बैठा हुआ है, महाकाली जब कान से पकड़ कर निकाल लेगी तो महाकाल भी बोल देगा तुम इसी काबुल हो। हाँ ठीक है, तब होगी सजा है, फिर सजा महसूस होगी। बाबा एक शब्द है काल और एक शब्द है अकाल, काली अकाली महाकाली बाबा कहते हैं अकाल पड़ेगा है, तो काल के आगे जब अ लगा देते हैं तो उसका सार्थक मतलब टाइम आया नहीं, उम्र हुई नहीं, और बिना उम्र पूरे हुए बिना टाइम आए हुए ही वो अप्राप्ति शुरू हो गई। नहीं अकाले मृत्यु हो तो अकाले मृत्यु हुई है ना, वो ही अकाल काल नहीं है। नहीं, अकाल का मतलब जैसे बाबा कहते हैं सामान्य रूप से काल आया नहीं, टाइम नहीं आया, जैसे अभी कमियां तो महसूस हो रही हैं, कमी तो हो गई है हर चीज की, लेकिन कमी के बाद जैसे कहते हैं ना जी काल पड़ जाएगा, हम लोग अपनी भाषा में काल कहते हैं उसको, किसी चीज का जैसे ना पड़ गया जी काल ही पड़ गया जी, काल पड़ गया, काल नहीं पड़ गया अकाल पड़ गया,
काल तो हमेशा चलता ही रहता है, वो पड़ता नहीं है, वो तो रेगुलर है, लेकिन कभी अकाल हो जाता है। हाँ, टाइम नहीं है, सर्दी का टाइम नहीं है, है तो मई जून, लेकिन जबरदस्त सर्दी पड़ गई तो क्या कहेंगे, काल है ही नहीं गर्म सर्दी का, बर्फ पड़ गई अकाले। तो अकाल हो गया, अकाले काम हो गया। अकाल का तो यही देते थे ना, जैसे खाना पीना नहीं मिलेगा, टाइम नहीं है, बूंद नहीं मिलेगी। हाँ, टाइम नहीं है तो भी ऐसा हो रहा है। तो बाबा जैसे कई बार कहते हैं ना कि मेरे जो बच्चे हैं मैं उनके लिए गारंटी उठाता हूँ कि उनको अकाल नहीं पड़ेगा, दो रोटी उनको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो बाबा किन बच्चों के लिए कहता हूँ? जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, ठीक से श्रीमत पर चलने वाले हैं, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, डिसर्विस नहीं करते हैं, जो बाप के बच्चे हैं वो मौज में रहेंगे। बाप के बच्चे नहीं हैं, रावण के बच्चे बन गए, धोखा दे दिया, तो उनके लिए अकाल पीड़ा लेके आएगा। हाँ? अकाल पीड़ा बन जाएगा। हाँ? अकाल धर्मराज, धर्मराज की दूतों की बात कर करके सबको सकते में डाल दिया। ओम शांति।